Hey everyone, welcome and welcome back to your channel. किचन में काम आसान करने के लिए हम हमेशा कई सारे नए प्रकार के टूल्स यूज करते हैं, जिससे किचन में काम करना हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे ही किचन में मौजूद हमारा नाइफ अगर शार्प ना हो तो उससे किचन में काम करना बहुत ही बोरिंग सा लगता है। तो आपके इसी नाइफ को जब चाहे तब शार्प करने के लिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा मैनुअल नाइफ शार्पनर, जिससे आप जब चाहे तब हर एक प्रकार के नाइफ्स को बहुत ही इजीली शार्पन कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसी प्रोडक्ट का रिव्यू, इसे कैसे यूज करते हैं, ऐसी कई सारी जानकारी। अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इस बहुत ही यूजफुल टूल की अनबॉक्सिंग। तो ये है ब्रांड फ्लिंगो का मैनुअल नाइव शार्पन टूल, जो आता है कुछ इस तरीके से पैकिंग में। इस टूल की होल बॉडी बनी है सॉलिड एबीएस प्लास्टिक की। इसका हैंडल भी काफ़ी कंफर्टेबल है, इसे जब हम शार्पन करते हैं तो इसे हैंडल करना बहुत ही आसान होता है। इसका जो बेस है ये नॉन स्लिप बेस है। जब हम किसी भी नाइफ को शार्पन करते हैं तो ये जगह से हिलता नहीं है, काफ़ी स्टेबल होता है रबर का बना होने के कारण। और इसके ऊपर जो भी ये ब्लेड्स दिए गए हैं शार्पन करने के लिए, 3 टाइप्स के ब्लेड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस टूल में हम करेंगे 3 स्टेज में हमारे नाइफ को शार्पन। तो सबसे पहले इसमें जो रॉड है वो है डायमंड रॉड। ये डैमेज ब्लेड्स को रिपेयर और शार्पन करता है। कई दिनों के यूज़ के बाद हमारे जो नाइफ होते हैं उसके ब्लेड्स टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, अनइवन हो जाते हैं। तो इस फर्स्ट रॉड में ये इवन होते हैं और अच्छी तरीके से रिपेयर भी होते हैं। सेकेंड है ये टंगस्टन स्टील ब्लेड। इसमें नाइफ को धार होती है और नाइफ का जो नेचुरल वी शेप होता है ना, उसको ये रिस्टोर करता है। थर्ड है सिरेमिक रॉड। इसमें नाइफ को तेज किया जाता है और नाइफ का जो ओरिजिनल शार्पनेस और जो नेचुरल पॉलिश होती है वो इसमें लाई जाती है। तो इन 3 स्टेप को हमें फॉलो करना है, एक भी स्टेप हमें स्किप नहीं करनी। नाइफ शार्पन करने के बाद इसके जो ब्लेड्स है ये इजीली रिमूव हो जाते हैं, तो इसे आप साफ करके किसी ड्रॉअर में इजीली रख सकते हो। इससे किसी को इंजोर होने का डर नहीं रहता। और इस बहुत ही यूजफुल टूल को मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से जस्ट 399 रुपीज़ में। मैंने इसे शॉप में भी देखा था, लेकिन ऑन MRP आपको ये मिलता है 599 रुपीज़ में। अमेजोन पे मुझे ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला, इसलिए मैंने अमेजोन से इसे ऑर्डर किया था। आपको अगर इसे परचेस करना हो तो इसकी परचेस लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप इसे एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो मेरे किचन में एक नाइफ है, काफ़ी दिनों से इसे धार ना करने की वजह से ये काम में नहीं था। तो आज हम इसी नाइफ को शार्पन करेंगे और देखेंगे इससे ये परफेक्ट शार्प होता है या नहीं। तो नाइफ को शार्पन करते वक्त इस टूल को सिंपल किसी फ्लैट सरफेस पे रखें, इस तरीके से इसके हैंडल को पकड़े और सबसे पहली रॉड में इस तरीके से हमें नाइफ को सिंपली पीछे खींचना है। ज़्यादा फोर्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसके रॉड्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इस तरीके से 10-15 times एक एक ब्लेड में हमें इस तरीके से इसे पुल बैक करना है। हमें इसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड फास्ट नहीं करना है, सिंपली इसे इस तरीके से पीछे खींचते जाना है। तो हर एक स्टेज में हमें 10-15 times इस तरीके से इसे पुल बैक कर दिया है। इस नाइफ को मैं किचन के काम के लिए ही यूज़ करूँगी, इसलिए मैं आज इसे ज़्यादा शार्प नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा शार्प करना हो तो आप ज़्यादा टाइम इसे इस तरीके से पुल बैक करें। जस्ट एक बात का आप ध्यान रखें, जिस नाइफ के ब्लेड्स जिगजैग डिज़ाइन के होते हैं या फिर ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उसको आप इस टूल से शार्प ना करें। जो प्लेन ब्लेड्स होते हैं किसी भी प्रकार के नाइफ के, उसको आप इस टूल से शार्पन कर सकते हो। तो चलिए हमारा नाइफ तो अब शार्पन करके हो गया है, इसे हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो विद इन मिनट में ये बहुत ही अच्छी तरीके से शार्प हो गया है, आप देख सकते हैं। मुझे तो इसका रिज़ल्ट पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा, ये रियली वर्क करता है। ये काफ़ी लाइट वेट है, इजी टू यूज़ है, आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, हर कोई इसे ईजीली यूज़ भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए
और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए।